नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर बाराबंकी से। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर मंगलवार देर बड़ा हादसा हो गया। रामसनेही घाट के कल्याणी नदी के पुल पर खराब खड़ी डबल डेकर बस में लखनऊ की ओर से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हरियाणा से बिहार जा रही निजी ट्रेवल की डबल डेकर बस मंगलवार की देर रात अयोध्या जिले की सीमा पर कल्याणी नदी के पास खराब हो गई। इसके बाद यात्री उतरकर बस के नीचे और उसके आगे व आसपास लेट गए। इसी बीच लखनऊ की ओर से आए ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस और ट्रक की चपेट में आकर करीब 18 लोगों की मौत हो गई। अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल बस CHC बनिकोडर में चल रहा है। बस में कितने लोग सवार थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस ऋषभ ट्रेवल्स की है। यात्रियों ने बताया कि एक्सल टूटने से बस बीच रास्ते में खराब हो गई थी। उपजिलाधिकारी जितेंद्र कटियार व क्षेत्र अधिकारी पंकज सिंह के नेतृत्व में बारिश के बीच पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को निकालने और घायलों को अस्पताल भेजने का कार्य किया। DM व SP ने घटनास्थल जाकर जायजा लिया, वही ट्रक चालक मौके से फरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दुख जाहिर किया है। और हम लोग जल्द, क्योंकि वो बिहार के ही रहने वाले हैं, तो जल्द उनकी यहाँ से हमने व्यवस्था करके उनको उनके गृह जनपद में बिहार में भिजवाने की पूरी व्यवस्था करें। सर, इसमें कहा जा रहा है कि जो आरोपी का ड्राइवर है वो कंप्यूटर खराब हो गया, क्या उसके बारे में पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को चाहिए और पूरा हम लोग कैंपिंग में लगे हुए, जल्दी उसको लोग पकड़ के पूछताछ करेंगे कि किन परिस्थितियों में ये हुआ है। लेकिन अभी तो हमारा फोकस यही है कि जो लोग घायल हैं उनको उपचार जो हम लोग तुरंत ले सकें, और जो लोग अभी सुरक्षित भी हैं वो भी उनको भी हम लोग सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुँचा दें। एक और सवाल है सर, क्योंकि ये बस जो क्षमता है वो 760 की करनी है, आज जैसा कि आपने बताया कि तकरीबन 100 खराब हो चुका है, क्या बस भी उसमें एक्चुअली जहाँ तक हमारी जानकारी है कुछ होना भी बाकी है, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिली है कि इसमें किसी दूसरे बस के भी जो यात्री थे वो भी शुरुआत से इस बस